कर रहे हैं खजूर सिंह जी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं विभिन्न विभिन्न इलाकों से हाल सामने आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं आज प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम अलग विरोध कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो दो निजाम चल रहे हैं, एक निजाम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, दूसरा निजाम चल रहा है पैंथर्स पार्टी के लिए, क्योंकि पैंथर पार्टी एक जो है विपक्ष दल के रूप में उभर के सामने आई है और बीजेपी के लिए एक राजनीतिक जो है थ्रेट बनी हुई है, पॉलिटिकल थ्रेट। आपने देखा पिछले दिनों किस तरह से हरदेव सिंह जी के खिलाफ एक षडयंत्र रचा गया, उन पे हमला भी हुआ और उसके तुरंत बाद जो है हमारे पैंथर्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और दो टाइम रह चुके विधायक सांबा से श्री यशपाल कुंडल जी जो भूतपूर्व मंत्री भी रहे उनसे पीएसओ छीन लिए गए। पिछले कल तो रिपोर्ट आ गई है कि उनके घर की गार्ड भी छीन ली है। लेकिन यशपाल कुंडल जी की और भाजपा के पंच और सरपंच जो है उनके पास 10-10 पीएसओ है कश्मीर में, अपनी पार्टी जो अभी रिकॉग्नाइज भी नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे किलिंग हो रही है और किसी उन्होंने चुनाव में भाग भी नहीं लिया है, उनके नेताओं के पास सिक्योरिटी पीएसओ कहीं जो है। क्या कारण रहा है कि भाजपा के विधायकों एक्ट भूतपूर्व विधायकों से मंत्रियों से सिक्योरिटी ली जा रही है, यह प्रश्न जो है भाजपा दर्शाता है कि भाजपा की मंशा ये है कि भाजपा को पता है चुनाव आने वाले हैं और पैंथर्स पार्टी एक राजनीतिक बन चुकी है, इनको किसी तरह से कैंपेन से रोका जाए। देखिए यशपाल कुंडल जी जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से 10 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के पास मोटा मोटा का घर है, उसी नेशनल हाईवे पे कितने आतंकवादी हमले हुए हैं और जानकारी है और कितने एक सस्पिशियस मूवमेंट भी हुआ हुई जो न्यूट्रलाइज की गई है सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा। पैंथर्स पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तो मिलिटेंट आउटफिट्स की भी धमकियां हैं, तो क्या यशपाल कुंडल जी जैसे नेता क्या आप उनको लाइफ थ्रेट नहीं है? क्या वो सिक्योरिटी रिस्क के सामने एक्सपोज नहीं हुए? कौन लेगा इसका संज्ञान? आपके माध्यम से एसजी प्रशासन को भी हम अभिनंदन देंगे और उनसे गुहार लगाना चाहते हैं पैंथर पार्टी के लीडर्स की जो सिक्योरिटी है उसको बहाल किया जाए। Restore the security of the Panther leaders at the earliest. Otherwise, we are intensifying our stir. हम अपने विरोध प्रदर्शन को और उग्र रूप देंगे और आने वाले समय में हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू के लोग जो है वो भली भांति जानते हैं कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जो है वो अफरा तफरी मचाई हुई है, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, टोल प्लाजा पे टोल प्लाजा लगाए जा रहे हैं, सब नहीं होने देगी जम्मू की जनता और ये बिल्कुल वही कर रहे हैं हमारे नेताओं वापस नहीं षड्यंत्र की कड़ी है। हम गवर्नर हाउस के पास धरने पे बैठे और आप जो पैंथर्स पार्टी और उग्र रूप से आएगी सामने हमारे नेताओं को जितना हमें प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे हम दो गुना ताकत के साथ आएंगे, दो गुना ताकत के बाद होगा वो एलजी प्रशासन होगा और आने वाले दिनों में भाजपा को निशाना।